नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। और फ्रेंड्स, सर्कल ये ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपके सिलेबस में सर्कल ही एक ऐसा लेसन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स होल्ड करके रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है लेसन नंबर 3 सर्कल में, प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू करने से पहले आपके बुक में पेज नंबर 47-48 इन पर जो एक्टिविटीज और जो थ्योरम्स दिए, ये सबसे पहले हमें करने हैं, ओके? क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपका प्रैक्टिस सेट होगा। और सर्कल शुरू करने से पहले जो भी बेसिक आपने इसके पहले पढ़ा है, उस पर हम एक बार फिर से एक थोड़ा सा लाइट लेके आएंगे, ओके? तो देखते हैं भाई, आपने क्या पढ़ा है इसके पहले सर्कल के बारे में। हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है कि भाई सर्कल में एक सेंटर होता है, सर्कल में एक रेडियस होती है, सर्कल में एक डायमीटर होती है, सर्कल में एक कॉर्ड होता है, ओके? सर्कल के पॉइंट, जो सर्कल के जो अंदर बने हुए पॉइंट होते हैं उसे इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, और जो सर्कल के बाहर बने हुए पॉइंट होते हैं उसे एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, और जो सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं उन्हें पॉइंट ऑन दी सर्कल कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक चीजें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई रेडियस की। रेडियस यानी क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से निकलती है, सर्कल की बाउंड्री तक जाती है, उसे हम रेडियस कहते हैं, ओके? इसका मतलब OR, OP और OQ, भाई ये रेडियस हो जाएगी। अब हम देखेंगे भाई डायमीटर क्या है। तो सर्कल में एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री से निकलती है और सर्कल की दूसरी बाउंड्री तक जाती है, बस खासियत ये है कि वो सेंटर पॉइंट से होते हुए जाएगी, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं, ओके? और कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड मतलब भाई देखिए, यहाँ पर RS ये कॉर्ड है, मतलब कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री से निकलती है और दूसरी बाउंड्री पर जाके टच करती है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो RS एक कॉर्ड है, तो PQ भी तो वही काम कर रही है। PQ भी पॉइंट, एक पॉइंट से निकल रही है, दूसरे पॉइंट पे जाके टच कर रही है, दोनों बाउंड्री को भाई ये टच कर रही है। तो जो लाइन दोनों बाउंड्री को टच करती है सर्कल की, मतलब दोनों तरफ बाउंड्री को टच करती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं, ओके? और उसे हम कॉर्ड भी कहते हैं। तो ये तो कॉर्ड हुई, ये डायमीटर है, पर PQ जो है, ये PQ सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कहा जाएगा। मतलब डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। सर्कल में सबसे बड़ी अगर कोई कॉर्ड होती है तो वो होती है डायमीटर। और बाकी जो भी लाइन होती है जो सर्कल की दोनों बाउंड्री को टचेस करती है, सर्कल की बाउंड्रीज को टच करती है दोनों तरफ से, उसे हम कॉर्ड ही कहते हैं। अब देखिए, यहां पर AB ये क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। जो सर्कल के बाहर है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, और जो सर्कल पर है उसे पॉइंट ऑन द सर्कल कहा जाता है। तो आइए अब एक एक चीजें हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भाई यहां पे रेडियस क्या है। रेडियस है यहां पे एक लिख लेंगे भाई सर्कल, और सर्कल विथ सेंटर ओ। भाई इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है OR, इसकी रेडियस है OP और इसकी रेडियस है OQ। इसके बाद इसमें डायमीटर क्या है? इसकी डायमीटर है PQ। इसमें कॉर्ड क्या है? इसमें कॉर्ड है RS, और PQ भी कॉर्ड ही होती है, ओके? उसके बाद भाई AB क्या है? तो ये है इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो A और B इंटीरियर पॉइंट। उसके बाद D और C क्या है? D और C एक्सटीरियर पॉइंट। उसके बाद EPRSQ ये क्या है भाई? EPRSQ ये क्या है? पॉइंट ऑन सर्कल। ये एकदम बेसिक चीजें सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में एक और चीजें आपके बुक में दी हुई है, वो क्या है भाई? देखिए, यहां पर हमने यहां बनाया रखा हुआ है इंटरसेक्टिंग सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ओके? ये तीनों चीजें क्या है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखिए, दो ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस एकदम सेम हो,
जैसे मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस एक जैसी है, इक्वल रेडियस है, इसका मतलब ये सर्कल भी एक जैसे बनेंगे। तो ये हो गया भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है वैसे भाई ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि आपने डार्ट देखा होगा, जो टारगेट पॉइंट होता है, ओके, जो एक टारगेट मतलब ऐसे सर्कल सर्कल बने होते हैं और बीच में पॉइंट होता है जिस पर टारगेट करना होता है, वो जो है एग्जांपल वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब इसमें जो है ये एक सर्कल है भाई, ये एक सर्कल है, इनका जो कॉमन पॉइंट है, जैसे अगर मैं इसका नाम दे दूं पी, तो अगर ये एक सर्कल है छोटा वाला जो रेड कलर में बना हुआ, अगर ये एक सर्कल है तो इसका सेंटर पॉइंट पी है, और ब्लू कलर में बना है तो इसका भी सेंटर पॉइंट पी ही है। ओके, तो ऐसे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे भाई इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो ऐसे सर्कल जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दो पॉइंट में एक दूसरे को काटते हैं, जैसे इसका नाम मैं पी और क्यू दे दूं, तो यहां पर दो सर्कल है, एक सर्कल है भाई ओ और एक सर्कल है भाई पॉइंट ओ और पॉइंट एस। ओके, तो एक सर्कल है विद सेंटर ओ एंड अदर सर्कल इज विद सेंटर एस, एंड दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू, ये दोनों एक दूसरे को पी और क्यू पर काट रहे, तो ये इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। और एक होता है टचिंग सर्कल, जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर टच करते हैं, जैसे कि भाई उसका डायग्राम नहीं बना, मुझे बनाना चाहिए था, मैं यहां बना लेता हूं भाई हाथ से ही। देखिए मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, और ये दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट, ओके, यहां पे एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसे पॉइंट को पी ले लिया, ओके, तो इन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट भी दोनों में कॉमन है। यहां पर इन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों सर्कल में कॉमन पॉइंट एक पी है और ये क्यू है, ओके, क्योंकि ये पी और क्यू दोनों सर्कल में आ रहा है। इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, इनमें कॉमन पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पी है, ओके, और ये दोनों सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो इसे कहते हैं भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो आइए अब आपके बुक में अगली एक्टिविटी दी, एक्टिविटी नंबर 1, उस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब पेज नंबर 47 पर दी हुई एक्टिविटी 1 सॉल्व करते हैं। भाई एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है कि इन एडजॉइनिंग फिगर डीई इज अ कॉर्ड, डीई ये कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी, एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, डीई ये कॉर्ड है, सीएफ ये परपेंडिकुलर है डीई पर, और उसके बाद डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। सर्कल का जो डायमीटर है, ओके, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो पूरा 20 सेंटीमीटर का होगा। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर साथ में और दिया और डीई 16 सेंटीमीटर, हमें सीएफ फाइंड करना है। ओके, इस तरह का सॉल्यूशन आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, इससे रिलेटेड आपने थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। हमें बस यहां पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहां पर ये लिखना है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से थ्योरम्स की या कौन कौन से प्रॉपर्टी की जरूरत है, वो तीनों प्रॉपर्टी यहां पर हमें लिखनी है। तो मैं यहां पर पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उससे रिलेटेड आपको आप ये प्रॉपर्टी लिख लेनी है। तो आइए देखते हैं भाई, यहां पर गिवन तो आप लिख लेंगे, गिवन जो दिया हुआ है वही है, हमें टू फाइंड करना है भाई, टू फाइंड सीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है, एक तो हमें दी हुई, हमें दिया हुआ है डायमीटर। ओके, यहां पे हम एक डायमीटर ड्रॉ कर ले, मैं एक डायमीटर बना लेता हूं यहां पर। ओके, अब ये डायमीटर, जैसे यहां पर ये डी ई एफ, इसे हम नाम दे देते भाई जी, डी जी एक डायमीटर है। ओके, अब इस डायमीटर का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया, हमें सीएफ फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर देखिए सीडी क्या है भाई, सीडी ये रेडियस है, तो यहां पर सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर भाई सीडी, या फिर हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायमीटर। ओके, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, रेडियस है हमारे पास सीडी, सीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, ये हो जाएगा 10, तो सीडी यहां पर हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां हमने सीडी निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है भाई,
यहाँ पर रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है, ये एक प्रॉपर्टी आएगी। ओके, रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर। उसके बाद यहां देखिए, ये CF जो है ये परपेंडिकुलर है, किस पर? DE पर। CF परपेंडिकुलर है DE पर, तो एक थ्योरम हमने पढ़ा था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो यहां पर देखिए CF ये परपेंडिकुलर है, CF परपेंडिकुलर है भाई DE पर, कॉर्ड DE पर, CF परपेंडिकुलर है कॉर्ड DE पर। अब ये DE पर परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा भाई, DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DE हो जाएगा। तो DF कितना है, DF हमें फाइंड करना है, ये है 16, इससे ये कैंसल 8 टाइम, तो यहां पर हमें DF फाइंड आउट हो जाएगा भाई 8। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें CF निकालना है। तो ये देखिए DE हमें यहां पर मिल चुका है भाई 10, ये हमें मिल चुका है 8। पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल DFC लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DFC, ट्रायंगल DFC में एंगल DFC, ओके, एंगल DFC ये इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा भाई फ्रॉम PT। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के थ्योरम से लिखेंगे DC स्क्वायर या CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये आ जाएगा भाई, ये हमारे पास है 10, DF हमारे पास है 8 और CF हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये आ जाएगा CF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस ये 80 जो है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो CF का स्क्वायर यहां पर मिलेगा हमें भाई 36, और इसी से हमें मिल जाएगा CF इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, तो CF हमें मिल जाएगा 6। तो देखिए CF हो जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर, यहां पर हमने CF फाइंड आउट कर लिया है। ओके, हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये लगानी पड़ेगी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसके बाद जो डायमीटर होती है, डायमीटर इज अ हाफ ऑफ रेडियस, ये एक प्रॉपर्टी लग जाएगी उसमें। और एक प्रॉपर्टी यहां पर हम क्या लगा सकते हैं भाई, एक और प्रॉपर्टी हम यहां पे लगा सकते हैं भाई फ्रॉम PT। ओके, पाइथागोरस। तो ये तीन, एक पाइथागोरस से सॉल्व हुआ है ये, उसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी लिख लेंगे और ये दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेंगे। ओके, ये तीनों चीजें से मिलकर ये क्वेश्चन यहां पर प्रूफ हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। आइए अब एक्टिविटी सेकंड सॉल्व करते हैं भाई। एक्टिविटी सेकंड में भी आपको दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं और ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी से या किस थ्योरम से प्रूव होने वाला है वो हमें लिखना है। तो देखिए, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, क्यू आर ये कॉर्ड है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, पी कॉर्ड का मतलब क्यू आर का मिड पॉइंट है पी, साथ में क्यू आर हमें दिया हुआ है 24, मतलब ये जो पूरा क्यू आर है ये है भाई 24। उसके साथ ओपी, ओपी हमें दिया हुआ है 10, हमें फाइंड करना है यहां पर रेडियस। ओके, तो यहां रेडियस हमें ये फाइंड आउट करना है, तो यहां रेडियस क्या है भाई ओक्यू,
हमें OQ फाइंड आउट करना है, OQ ही हमारी रेडियस है। तो अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी। सबसे पहले तो हमें ये पूरा 24 दिया है, हमें इसका हाफ ले लेना है, ओके हमें इसका हाफ ले लेना है यहां पर, तो यहां लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, सर्कल विद सेंटर ओ क्यू आर कॉर्ड है और पी मिड पॉइंट है, मतलब कि ओ पी ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं बोला है, ये मिड पॉइंट है ये बोला है, ओके तो इसमें हमें क्या बताना है, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ओके एंड इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड देन दे लाइन आर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो यहां लिखेंगे इफ अ लाइन drawn from center of the circle to the chord and it's bisect the chord then the line is perpendicular to the chord, इसी का मतलब OP जो है ये perpendicular होगा QR पर, ये पहली property आपको वहां पर लिखनी, ओके उसके बाद अब यहां पर हमें क्या करना है, ये तो मिड पॉइंट है P, तो हमें PQ निकाल लेना है, तो लिखेंगे PQ is equals to हाफ ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर का हाफ है, तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 × 24, तो ये आ जाएगा क्यू पी इज इक्वल्स टू 12, ओके अब देखिए हमें ये भी दिया हुआ है, ये 12 हमें मिल चुका है, हम रेडियस इजीली फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पीटी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लगने वाला है अगली प्रॉपर्टी, ओके तो अगली प्रॉपर्टी आएगी पाइथागोरस थ्योरम की, तो लिखेंगे ट्राइंगल OPQ एंगल OPQ जो है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आएगा भाई देयरफॉर फ्रॉम पीटी पाइथागोरस की मदद से क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, हमें OQ ही फाइंड करना है, इसे ऐसे ही रखेंगे, OP भाई यहां पर है 10 और ये 1 और ये 12, ओके ये होता है 100 और ये होता है 144, तो टोटल मिला जाएगा 244, ओके तो यहाँ पे हमें OQ मिल गया है 244। अब इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे OQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 244। अब अंडर रूट 244 है तो ये हो जाएगा OQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 × 61, तो आ जाएगा भाई OQ इज इक्वल्स टू 2√61। देखिए यहां पर हमें OQ मिल चुका है और जो दोनों प्रॉपर्टी है वो आपको लिख लेना है, एक ये और दूसरी भाई फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओके टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब एक्टिविटी 3 सॉल्व करते हैं भाई। एक्टिविटी 3 में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है एम, ओके उसमें ए बी एक कॉर्ड है मतलब डायमीटर है और एडी एक कॉर्ड है और सी एसी भी एक कॉर्ड है, साथ में एम टी जो है ये परपेंडिकुलर है ओके कॉर्ड पर और एम एस जो है ये भी परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, हमें क्या करना है एडी और एसी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ये हमें प्रूफ करना है, ओके आप बुक में देखिए गिवन आप लिख लेंगे। टू प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कॉर्ड एसी ये कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड एडी से, ओके ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, यहां पर हम सबसे पहले क्या क्या थ्योरम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले वो इसके बारे में यहां पर पूछ रहा है, ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे,
द कॉर्ड व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, दे आर इक्वल इन लेंथ, तो वो जो होती है वो इक्वल लेंथ में होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है। तो लिखेंगे, देखिए यहां पर दो ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए एस एम एंड ट्राइंगल ए टी एम, ए टी एम दोनों में क्या है भाई, एंगल, एंगल यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि ये जो एंगल है और ये एंगल, मतलब डी ए बी और सी ए बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो यहाँ पर एस ए एम जो होगा, एंगल एस ए एम, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल भाई टी ए एम से, एंगल टी ए एम से, ओके। क्यों, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है। उसके बाद यहां पर देखिए एंगल ए एस एम, एंगल ए एस एम ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए टी एम से, एंगल ए टी एम, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री वाले हैं। उसके बाद हम और क्या बता सकते हैं, यहां पर देखिए ये जो है ये कॉमन साइड है, सेगमेंट ए एम ये कॉन्ग्रुएंट है भाई ए एम से ही, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड, ओके। अब ये कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड है तो देखिए यहां पर दो साइड और एक एंगल इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे फ्रॉम एंगल 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 साइड सिमिलैरिटी टेस्ट, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एस एम, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ए टी एम से, ओके। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए ये साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो लिखेंगे देयरफॉर एस एम ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एम टी से, भाई क्यों, सी एस सी टी, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ओके, तो एसी और एडी ये इक्वल हो जाएगी, ओके, ये इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो यहां पर हम जो है पहली प्रॉपर्टी हमारी लगने वाली है कि भाई ये दोनों आपस में यहां से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे देयरफॉर एसी ये कॉन्ग्रुएंट होंगी एडी से, क्यों, यहां स्टेटमेंट लिखेंगे इफ टू कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में इक्वल होती है, ओके, यही हमारा रीजन होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, रीजन आपके बुक में जो पहला रीजन दिया है, ओके, और दूसरा रीजन दिया है वही इसका रीजन है, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, अगली प्रॉपर्टी सर्कल पासिंग थ्रू वन टू और थ्री पॉइंट, सर्कल जो है एक दो या तीन पॉइंट से बने हुए सर्कल कैसे पास हो रहे वो हमें देखना है। तो यहां पर देखिए P एक सर्कल है, R एक सर्कल का सेंटर पॉइंट है, P से एक सर्कल बना है, R से एक सर्कल बना है, Q से एक सर्कल बना है, और ये तीनों सर्कल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो है A। इसका मतलब यहां पर इस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि एक सिंगल पॉइंट पर भाई बहुत सारे सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि कितने सर्कल, हाउ मेनी सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। तो हमने पढ़ा है कि जैसे भाई एक पॉइंट से असंख्य इन्यूमरेबल लाइन जा सकती है, इतनी लाइन जा सकती है हम गिन नहीं सकते इस पॉइंट से, वैसे ही इस पॉइंट से असंख्य, ओके, इन्यूमरेबल सर्कल यहां पर बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, अभी जो हमने एक्टिविटी की वो तीन सर्कल थे जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए थे। इसके बाद जो एक्टिविटी हमें करनी है, जैसे देखिए तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है और तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर मिला दिए तो ट्रायंगल बनता है, तो इन तीनों पॉइंट से कैसे सर्कल पास होगा, इसके लिए हमें जो है पेपर ग्राफ, मतलब हमारे पेपर पर जाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर ये पॉसिबल नहीं होगा, ओके, इसके लिए हमें डिवाइडर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम आएंगे हमारे पेपर स्क्रिप्ट पर। तो देखिए अब भाई इसमें हमें क्या करना है कि
हमें इन लाइंस की बाइसेक्ट करनी है, ओके, तो ही इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल बन सकता है। तो देखिए ये जो है, मैं तीनों लाइन को लाइन के बाइसेक्ट कर लूँगा, तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये आर्क यहाँ हो गया भाई, ये आर्क यहाँ हो गया। दूसरा हम लेंगे इस पॉइंट से, अभी ये क्रॉस नहीं हुआ है, ये देखिए हमें यहाँ पर पॉइंट अभी मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट से हम इसे, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, अब इस साइड को बाइसेक्ट करेंगे मोर देन हाफ, तो देखो मैंने इसे भी कनेक्ट कर लिया है। अब ये जो दोनों लाइन है, एक लाइन ये वाली और ये दोनों यहां पर आके मिलती है, ओके। तो हम तीसरी लाइन को भी बाइसेक्ट करेंगे, तो उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यही मिलेगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहां पे हम पॉइंट रख के यहां से सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट थे, और ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल बन सकता है, ओके। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल बन सकता है। अब आइए दूसरी एक्टिविटी करते हैं जो आपके बुक में दी है भाई। यहां पर देखिए क्या बोलता है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर एल, ओके। एक ए बी हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और वहां पर हमें पॉइंट लेने हैं अलग अलग, और इन पॉइंट में डिवाइडर रख के हमें सर्कल बनाने हैं, और इन दो पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो आइए अब इस एक्टिविटी को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क लेंगे, और भाई यहाँ से एक आर्क, और यहाँ से भी एक आर्क लेंगे, और इन दोनों आर्क को अब हम कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों आर्क को यहाँ पर, दोनों आर्क से जो पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को हम मैंने यहाँ पर भाई जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ डिवाइडर रखेंगे हम, ओके, और यहाँ से हम सर्कल बनाएंगे। देखिए एक सर्कल बन गया है यहां पर, ओके। अब क्या करेंगे भाई, यहां से हम पॉइंट चुनते जाएंगे। यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे, और यहां पे हम डिवाइडर रख के मैं क्या करूंगा भाई, यहां से, ओके, अब मैं यहां से सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा। ये बना सर्कल, ये देखिए इस पॉइंट को ये टच हो गया, ओके। अब जैसे जैसे हम पास आएंगे या ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम पॉइंट को बदलते जाएंगे, हर बार ये क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट से जाएगा, सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास हो जाएगा। देखिए हो रहा है, अगर आप नीचे भी आते यहां से, चलिए मैं अब यहां से एक पॉइंट लेता हूं, तो यहां पे भाई मैंने एक पॉइंट लिया, और ये देखिए यहां से अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो भी ये सर्कल जो है उन्हीं दोनों पॉइंट से टच होते हुए कंप्लीट होगा। देखिए तो अब आप वही जितना दूर जाएंगे, आप यहां से जितना दूर जाएंगे, आप इधर जितना दूर जाएंगे, हमेशा सर्कल इन दो पॉइंट को कनेक्ट करेगा ही करेगा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि वन पॉइंट से सो मेनी इन्फिनाइट सर्कल जा सकते हैं। तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनमें से एक ही सर्कल पास होगा, और ऐसे टू पॉइंट से, टू जो पॉइंट होंगे उन दोनों पॉइंट से बहुत सारे सर्कल यहां से पासेस हो सकते हैं। आइए अब सीकेंट और टेंजेंट के बारे में देखते हैं भाई, सीकेंट क्या है और टेंजेंट क्या है।
देखिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ए है और ये एक लाइन है एल। ओके अब यहां पर देखिए इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, सर्कल यहां पर अलग है और लाइन यहां पर अलग है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे। तो थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगी, वो सर्कल को पहले टच करेगी। तो यहां पर देखिए पॉइंट पी ये सर्कल के लिए और लाइन के लिए कॉमन पॉइंट है। ओके तो इसने सर्कल को टच किया है, बस टच किया है, तो इसे हम कहेंगे भाई टेंजेंट। ओके अब इस लाइन को अगर और थोड़ा अंदर लाया जाए तो ये क्या हो जाएगी, यहां से थोड़ी आगे बढ़ेगी और सर्कल को दो पॉइंट पर काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो होती है जो सर्कल को दो पॉइंट से काट के मतलब ऐसे बाहर से निकलते हुए अंदर जाते हुए फिर बाहर निकल जाती है, इसे हम कहते हैं भाई सीकेंट। ओके तो ये है टेंजेंट और ये है सीकेंट। और एक बार हमेशा ध्यान में हमें रखना है कि चाहे वो ये मतलब टेंजेंट की बात है कि कोई भी हमेशा टेंजेंट जो होती है मतलब रेडियस ये हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ओके अब आइए इसी पर बेस्ड अगली एक्टिविटी देखते हैं। तो आइए पेज नंबर 50 पर एक एक्टिविटी दी है भाई, उसे करते हैं। 50 पर एक्टिविटी देखिए, यहां पर एक लाइन है एल, ये लाइन है एल। ओके अब यहां पर क्या हो रहा है, हमें इमेजिन करना है कि इस लाइन को अब यहां पर ये जैसे मान लीजिए ए बी है, ये पॉइंट ये सेंटर ओ है। ओके तो ए बी है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही हम ए बी को थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे तो भी ये लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अभी भी परपेंडिकुलर पैरेलल होगी, इसका मतलब अभी भी ये परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को और नीचे शिफ्ट करेंगे तो अभी भी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से पैरेलल होंगी। ओके और परपेंडिकुलर होंगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम शिफ्ट करते जाएंगे क्या हो जाएगा, लाइन नीचे नीचे आते चली जाएगी और आपस में लास्ट में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा वो सर्कल के एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करेगी, वो है पॉइंट पी। अब यहां पर अभी भी देखिए आप ऊपर से नीचे तक जब भी लाइन यहां पर शिफ्ट हो रही है हमें ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। आप चाहे तो इस एक्टिविटी को ट्राई करके भी देख सकते हैं, आप कहीं से भी टेंजेंट बनाइए भाई, आप कहीं से भी टेंजेंट बनाइए सर्कल का। ओके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दीजिए सर्कल पर। और अब क्या की इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हमें क्या करना है भाई, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हमें एक लाइन खींच लेनी है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हमने लाइन खींच लिया। अब आप ऑब्जर्व करोगे जब भी आप इसमें प्रोटेक्टर लगाओगे उसके मदद से आपको पता चलेगा कि ये जो है परपेंडिकुलर हो गई, मतलब रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यही बताना है इस एक्टिविटी की मदद से। तो अब आइए आपके बुक में अगला थ्योरम दिया हुआ है टेंजेंट थ्योरम। ओके अब वही टेंजेंट थ्योरम करेंगे। टेंजेंट थ्योरम में दिया हुआ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कि टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो। ओके देखिए टेंजेंट सर्कल के यहां तीन पॉइंट पर बने, ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये, टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर पर ही होती है। ओके रेडियस और टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यही इस थ्योरम में प्रूफ करना है। टेंजेंट थ्योरम ये एक फॉर्म मोर इंफॉर्मेशन में है, इनडायरेक्ट प्रूफ किया हुआ इसका, तो मोर इंफॉर्मेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमें एग्जाम में नहीं आने वाले हैं और ना ही ये थ्योरम आपको एग्जाम में आने वाला है। ओके मोर इंफॉर्मेशन पर ये जो थ्योरम है ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। हाँ इसके बाद जो कन्वर्स है इसका वो हम कन्वर्स अप करने वाले। तो आइए फ्रेंड्स अब कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम करते हैं भाई। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, इसके पहले हमने टेंजेंट थ्योरम के बारे में बात कही थी कि टेंजेंट थ्योरम आपके सिलेबस में बुक में दिया हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन में। ओके उसमें ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई लाइन मतलब टेंजेंट पर जो लाइन होती है रेडियस ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओके ये प्रूफ करना था उसमें। इसमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये जो लाइन है लाइन एल ये परपेंडिकुलर है किस पर, MN पर, या MN परपेंडिकुलर है लाइन L पर। तो लाइन L
ये टेंजेंट होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। ओके तो देखिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑफ सर्कल इज अ टेंजेंट। तो एक लाइन है जो रेडियस से परपेंडिकुलर है सर्कल के एक पॉइंट पर, तो वो जो लाइन है भाई वो टेंजेंट होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए जो गिवन है वो लिखेंगे एम इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। एम क्या है भाई? सर्कल का सेंटर। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है? लाइन एल मतलब एम एन परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। ओके, उसके बाद हमें दिया हुआ है एम एन इज रेडियस। हमें टू प्रूफ क्या करना है यहां पर? टू हमें प्रूफ करना है लाइन एल इज अ टेंजेंट। बहुत सिंपल प्रूफ है दोस्तों इसका, आइए प्रूफ करते हैं इसको हम भाई। प्रूफ में क्या बताएंगे? यहां देखिए ट्रायंगल, यहां पर हमने क्या किया है, हमने लिया है टेक पॉइंट ओ आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ओके एंड ऑन द लाइन, तो लिखेंगे टेक पॉइंट, अच्छे से लिख लो भाई, टेक पॉइंट ओ ऑन लाइन एल। ओके एंड आउट साइड ऑफ द सर्कल। हमने क्या किया है भाई, लाइन एल पर ओ एक पॉइंट ले लिया है और वो पॉइंट को हमने सर्कल के बाहर लिया है। ओके सर्कल के अंदर या फिर सर्कल पर दूसरे पॉइंट पर नहीं लिया है। ओके तो अब यहां पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ड्रॉ लाइन एमओ, और एमओ हमने ड्रॉ कर लेना है। एमओ ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, इससे बनेगा एक ट्रायंगल, दैट इज इट्स फॉर्म अ ट्रायंगल एम एन ओ। ओके अब ट्रायंगल एम एन ओ की बात करेंगे, तो भाई यहां पर लिखेंगे एम एन परपेंडिकुलर है, एम एन परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, इसका मतलब एम एन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन एल पर, और देयरफॉर एंगल एम एन ओ, एंगल एम एन ओ इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एमओ क्या है, एमओ हो जाएगी हाइपोटेनस, लिखेंगे एमओ इज अ हाइपोटेनियस, इसी का मतलब देयरफॉर एमओ ये बड़ी होगी एम एन से। ओके अब एम एन ओनली इज द रेडियस, लिखेंगे एम एन ओनली इज अ रेडियस, एम एन ही एक ऐसी है जो रेडियस है। ओके एंड इट्स अ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ लाइन एल एंड सर्कल, एंड पॉइंट एन इज ओनली कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ लाइन एल एंड सर्कल। ओके देखिए हमने क्या बताया कि एम एन एक रेडियस है, सिर्फ एम एन ही एक रेडियस है, और पॉइंट एन ये ओनली एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट मतलब ये एल लाइन एल पर और सर्कल पर ओके दोनों को कांटेक्ट करती है। ओके अब यहां पर हमें पता है कि एम एन जो है एम एन परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, तो फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम, तो मैं इसे यहां लिख लू। देखिए हमने ये बताया कि एम एन परपेंडिकुलर लाइन एल पर, साथ में एम ओ जो है ये सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है, आउटसाइड है। ओके तो इससे हम और साथ में भाई
ये परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी, ये हाइपोटेनस बन जाती है। ओके, एमओ जो ये हाइपोटेनस है, तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट लाइन एल इज अ टेंजेंट। तो देखिए इस तरह से इसे करना था, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम सॉल्व करते हैं। यहां पर भाई टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया जैसे पॉइंट डी है, और इस पॉइंट डी से हमने क्या किया भाई, यहां से एक टेंजेंट बना दी और यहां से भी एक टेंजेंट बना दी। तो ये जो टेंजेंट होंगी, मतलब यहां पर ये P से लेकर D तक का डिस्टेंस और ये Q से D तक का डिस्टेंस, ये जो होगा ये एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए यहां पे जो गिवन है वो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे इन सर्कल, इन अ सर्कल विथ विथ सेंटर ए। ओके, यहां पर देखिए पॉइंट डी इज आउटसाइड ऑन द सर्कल, पॉइंट डी इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल या टू द सर्कल। अब यहां पर देखें पी डी और क्यू डी, ये दोनों क्या है भाई, टेंजेंट है। लिखेंगे पी डी एंड क्यू डी आर टेंजेंट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, लिखेंगे टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ दैट पी डी और क्यू डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे टेंजेंट पी डी ये कॉन्ग्रुएंट होंगी टेंजेंट क्यू डी से। ओके, तो आइए अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए क्यू और ए पी। तो लिखेंगे ड्रॉ ए पी एंड ए क्यू। तो आइए अब इसे हम ड्रॉ कर लेते भाई, और ये दोनों क्या होने वाली, ड्रॉ ए पी एंड ए क्यू, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी किस पर, टेंजेंट पर। ओके, ये दोनों लाइन दोनों टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये जो रेडियस होती है, रेडियस हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए अब यहां पे हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, ट्रायंगल पीएडी और एक्यूडी। तो ये लिखेंगे यहां से प्रूफ, यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पीएडी एंड ट्रायंगल भाई पीएडी और एक्यूडी या फिर क्यू ए डी जो भी है, ट्रायंगल क्यू ए डी की हम बात करें तो एंगल ए पी डी जो होगा, एंगल ए पी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ए क्यू डी से, एंगल ए क्यू डी, क्योंकि भाई दोनों जो है ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ओके, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। कैसे आया, ये कंस्ट्रक्शन से आया, तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब आगे देखते हैं, हमें भाई एक एंगल तो मिल गया, दूसरा अब यहां देखिए एडी जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो लिखेंगे एडी कॉन्ग्रुएंट टू एडी, क्यों भाई ये है कॉमन साइड। उसके बाद देखिए एपी और एक्यू ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है। तो लिखेंगे
एपी कॉन्ग्रुएंट टू एक्यू लिखेंगे रेडियस ऑफ, या फिर रेडियाई लिखेंगे, आर ए डी डबल आई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो देखिए अभी भाई यहां पर हमने क्या किया है, साइड एंगल साइड। ओके, तो यहां पर देखिए हमने दो साइड और एक एंगल लिया है, तो लिखेंगे साइड साइड एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। ये जो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे, ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल पी ए डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल क्यू ए डी से, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। इसका मतलब देयरफॉर पी डी, देयरफॉर पी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी क्यू डी से, क्यू सी एस सी टी। ओके, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो भाई यही हमें प्रूफ करना था, बहुत सिंपल प्रूफ है, कुछ भी ऐसा मतलब डिफिकल्ट नहीं हो। सर्कल लेसन तो बहुत ही इजी है, आपको बस सर्कल की सारी बेसिक चाहिए। सर्कल में ज्यादातर हमें पाइथागोरस थ्योरम, ओके, फिर इसके जो दो हमने थ्योरम देखे थे वो, और भाई यही प्रॉपर्टी हमें ज्यादातर लगने वाली, बाकी कुछ नहीं है सर्कल में। सर्कल बहुत इजी है, बस इसमें वेरिएशंस ज्यादा है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम 3.1 ये जो एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज कर दूं तो यही वीडियो एक घंटे से ज्यादा का हो जाएगा। ओके, तो हमारी वीडियो ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, और आप एक दिन में जितना वर्क अच्छे से कर सके उतना ही हम पर डे वीडियो में ऐड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। We'll be right back.